वेलकम टू आवर चैनल। आज है 11 जून 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 11 जून 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस कम्प्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? ऑप्शन MS जया जेटली, डॉक्टर दीप्ति शाह, डॉक्टर विनोद पॉल, उपर्युक्त में से कोई भी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, MS जया जेटली। हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुखाग्नि नगरी पथ व्यवसाय योजना शुरू की है? ऑप्शन कौन सा योजना है? मुखाग्नि नगरी पथ व्यवसाय योजना। ऑप्शन मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापड्डी के पलनीसामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? अन्नामलैया नेशनल पार्क। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, यूके। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। और स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वेडिश क्रोन। यूके के कैपिटल क्या है? लंदन। और यूके के करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रावक रोजगार कार्यालय शुरू किया है? ऑप्शन राजस्थान, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से है? नटंगकी नेशनल पार्क। कौन से पार्क है? नटंगकी नेशनल पार्क। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल है निजमा हेप्तुल्ला। मणिपुर के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? कैबुल लैमजो नेशनल पार्क। कौन से हैं? कैबुल लैमजो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, किस दिन हर साल विश्व प्रत्यान दिवस मनाया जाता है ताकि व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को उजागर और बढ़ावा दिया जा सके? ऑप्शन 4 जून, 2 जून, 9 जून, 8 जून। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 जून। और 8 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। और 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्यायन दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड इंडिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अनिल वलीरी, करण बाजवा, रंजीत कुमार, उपर्युक्त में से कोई भी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल वेलूरी। कौन है?
अनिल वेलूरी। गूगल की सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल के मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। गूगल कब स्थापित किए गए? 4 सितंबर 1998 में। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन राजनीति, कानून, अभिनय, फुटबॉल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए राजनीति, पॉलिटिक्स से। अर्जुन चरण सेठी राजनीति से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने COVID-19 के बरामद रोगियों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है? ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में एक इंजीनियर ने कोरोबोट नाम का रोबोट बनाया है? ऑप्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? चंडोली नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्या। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, रोगों को बाहर निकालने के लिए पॉड आरपीट PODARPIT किसने डिजाइन किया है? ऑप्शन भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, FFSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनकर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल कौन है? पीपी सिंह बदनोरी। कौन है? बीपी सिंह बदनोरी। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, दिन का सवाल, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश ने टॉप किया है? ऑप्शन डेनमार्क, भारत, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 11 जून 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इसको 2-3 बार रिविजन कर लीजिए और अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।